जी दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप या हंगरी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अब क्योंकि बाकी डिटेल इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स या स्कॉलरशिप अमाउंट वो डिस्कस कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया गया प्रीवियस वीडियो में, और अब बारी आती है हाउ टू अप्लाई पे। सबसे पहले ये है कि एप्लीकेंट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट द हंगेरियन NHEC वेबसाइट। तो ये प्रोसेस सारा फिलहाल ऑनलाइन है, ठीक है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी, प्रिंट आउट जमा नहीं कराने, कोई आपको फॉर्म नहीं भेजना। आपने पहले जो हंगेरियन वेबसाइट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम वो मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ, उस पर जाना है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे जो रिक्वायर्ड है, और उसके बाद फिर आप HEC वेबसाइट पे आएंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, वो आप अप्लाई करने के अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आगे क्या करना है आपको। एप्लीकेंट्स इन केस एप्लीकेंट्स फेल टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन बोथ वेबसाइट्स मेंशनड एट स्टेप 1 एंड स्टेप 2, देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आप इन दोनों वेबसाइट में से किसी एक पर भी अप्लाई सही तरह मतलब नहीं कर पाते, आपकी एक जगह एप्लीकेशन सबमिट होती है दूसरी जगह नहीं होती, तो आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द इनिशियल स्टेज। अभी हार्ड कॉपीज मतलब प्रिंट आउट नहीं रिक्वायर्ड, ना HEC मांग रही है, ना टंपस पब्लिक फाउंडेशन मांग रही है। टंपस पब्लिक फाउंडेशन भी नहीं मांगती ये हार्ड कॉपीज फिलहाल। एट द लेटर स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपीज, जो आपने HEC के पोर्टल पे अपना फॉर्म फिल किया था वो भी डाउनलोड करके PDF में रख लें। अपनी डिपॉजिट स्लिप, अभी डिपॉजिट स्लिप क्या होती है वो मैं बताता हूँ, और टंपस पब्लिक फाउंडेशन पोर्टल पे जो आपका फॉर्म होगा वो भी PDF में, ठीक है। जब आप इनिशियली सिलेक्ट हो जाएंगे HEC की तरफ से, फिर फाइनल वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, उनमें आपने जाके वो प्रिंट आउट्स जमा कराने होंगे। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आल्सो नीडेड टू बी सबमिटेड। ये लेटर स्टेज पे है, जब आपकी इनिशियल हो जाएगी प्रोसेस, आप सिलेक्ट हो जाएंगे इनिशियली HEC की तरफ से, फिर आपसे वो मांगेगी कि आपका ओरिजिनल जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनाया था वो, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपके नज़दीक जो थाना होता है या जो आपका DPO ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वहाँ से आपको पहले एक फॉर्म लेना पड़ता है, फिर अपने थाने से उसको फिल आउट कराना पड़ता है, साइन होते हैं, फिर उसके बाद आपको DPO ऑफिस में जाके वो मिलता है साइन वगैरह, ठीक है। पहला स्टेज ये है कि टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले ये एक सीक्वेंस है। आप पहले HEC पे अप्लाई नहीं कर सकते, रीजन ये है कि आप जब HEC पे अप्लाई करने जाएंगे तो वो एक कोड मांगेगी जो कि इस वेबसाइट से आपको मिलेगा, जब आप अप्लाई कर देंगे फिर मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे, ये वेबसाइट है apply.stipendiumhungaricum.hu, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर करें, रजिस्टर करने का मतलब अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में आपको ईमेल आईडी और नाम वगैरह देना होगा, पासवर्ड रखना होगा, फिर आपने एप्लीकेशन के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, ठीक है, और फिर आपने वो सबमिट कर देनी होगी एप्लीकेशन। सबमिट वाला बटन आप पे सबसे एंड पे प्रेस करना है, अदरवाइज आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सेव करके रख लें, आपके पास सेव की ऑप्शन होती है, और फिर दूसरे दिन उसको एडिट करें, बाकी चीज़ें डालें, और इसी तरीके से सबसे पहले ये अच्छा है कि आप अगर सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने पास रख लेते हैं करके, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर आपके पास इजी होता है, आप विद इन 3 or 4 hours ये सबमिट कर सकते हैं। दूसरे दिन आप HEC पे जाएं, अब पहले यहाँ पे अप्लाई करना है हंगरी की वेबसाइट पे, फिर HEC की वेबसाइट पे जाना है, ये है eportal.hec.go.pk/arl, ठीक है। ये वेबसाइट कॉपी करेंगे, यहाँ से इस पे पेस्ट कर देंगे URL, और आपके पास ये फील होगा। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेजेस, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। जब आप अपना लॉगिन करेंगे HEC की वेबसाइट पे, पोर्टल वगैरह कंप्लीट करने के बाद, इस साइड पे आपको मिलेगा एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेजेस स्कॉलरशिप में जाके, एंड अंडर स्कॉलरशिप ग्रांट्स, ठीक है, मेन्यू इन लेफ्ट हैंड साइड पैनल ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। While submitting an application online at HEC website, do attach scan copy of deposit slip of RS 500. अब जब आप submit करेंगे, उससे पहले आप submit final submission नहीं होगी, अगर आपने 500
रुपए बैंक अकाउंट HEC का जो है उसमें सबमिट नहीं किए होंगे, तो आपका क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा एंड तक। अकाउंट नंबर, आप मोस्टली लोग पूछते हैं सर अकाउंट नंबर बता दें, HEC ऑनलाइन अकाउंट नंबर इज ये नंबर है जी, और HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, और इसका एड्रेस भी आपको चाहिए होगा, HBL शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ब्रांच सेक्टर H इस्लामाबाद, ये इसका बैंक अकाउंट नंबर है और ये इसका एड्रेस है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एड्रेस और ये बैंक अकाउंट नंबर लेके आप बैंक जाएंगे, हबीब बैंक जाना है आपने, हबीब बैंक HBL बैंक में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मैंने ये फीस पे करनी है, वो आपको एक वाउचर या स्लिप बना के देंगे, वो दो अपने पास रखते हैं, एक अपने लिए, एक HEC के लिए, और एक आपको वापस कर देते हैं। जो वापस करेंगे उसके आपने पिक्चर लेनी है, स्कैन करना है और उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि अब आप फॉर्म फाइनल स्टेज सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये 15 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेहतर है मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है और लिखने कैसे हैं, ठीक है, तो देखते रहिए।